हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 2 मीटर फैब्रिक में यहाँ पर बहुत अच्छे घेर की फ्रॉक कटिंग स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस फ्रॉक में 12 कलियाँ हैं और इसके दामन में कंगूरे हैं। और फ्रेंड्स, 2 मीटर में इसका 2.5 मीटर का घेर आया है और बहुत सिंपल और बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। अब इस फ्रॉक की जो हमें लेंथ रखनी है रेडी, वो 40 इंच रखनी है। तो डबल इस तरीके से किनारे के साइड से हमें कपड़े को रख लेना है। अब यहाँ से देखिए 40 इंच का अलग और 40 इंच का अलग, इस तरीके से हम 2 टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 टुकड़े हमें करने हैं क्योंकि फ्रंट साइड की और बैक साइड की गलियाँ अलग अलग कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए इस तरीके से दोनों पर्त को अलग अलग कर लेंगे। अब एक फैब्रिक को हम अलग रख देंगे और एक फैब्रिक को हम डबल करके यहाँ पर रख लेंगे। तो इस तरीके से हमने किनारे से किनारी पकड़नी है और डबल कपड़े को हम यहाँ पर रख लेंगे। तो एक साइड की कली हम आपको कटिंग करके बताएंगे और सेम पैटर्न से बैक साइड की कली भी हो जाएगी। और सबसे पहले हम यहाँ शोल्डर से नीचे की तरफ निशान लगाएंगे सीधा 15 इंच पर कमर का। तो यहाँ पर हमने शोल्डर से नीचे की तरफ 15 इंच पर कमर का निशान लगाना है इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कली की चौड़ाई लेंगे। तो कली की चौड़ाई हमें रखनी है ऊपर से 4 इंच, जो कमर का निशान है वहाँ तक हम 4-4 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ तक 15 इंच तक हमने 4-4 इंच के निशान लगाने हैं कमर तक। उसके बाद नीचे हम कली का निशान लगाएंगे 8 इंच का। तो कली का निशान नीचे तरफ से हम यहाँ पर इस कली की चौड़ाई रहेगी 8 इंच। तो अब ये जो हमारा कमर का निशान है, ये नीचे 8 इंच का जो निशान लगाया है, यहाँ तक इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से निशान को मिला देंगे। तो कली का ये इस तरीके से हमारा फ्रंट की जो कली होगी हमारी, इस तरीके से निशान लगेगा। अब इन निशानों को हम एक दूसरे से फुटे की मदद से मिला लेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम नीचे की तरफ मिला देंगे। तो ये देखिए, हमने नीचे की तरफ भी इस तरीके से मिलाना है। 4 इंच हमने यहाँ पर रखा है, तो 4 इंच हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये देखिए, हमने कली का ऊपर का हिस्सा हम यहाँ पर रख रहे हैं, जो हमने नीचे रखा है यहाँ पर 8 इंच, तो अब हम 8 इंच इधर की तरफ रखेंगे। तो ये देखिए, 8 इंच हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को एक दूसरे से हम मिला देंगे। तो इस तरीके से इंची टेप को रख कर हमने दोनों निशानों को मिला लिया है। तो ये जो निशान है हमारे, इन सारों को हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे, एक दूसरे से सारे निशानों को हम मिला देंगे ताकि हमारी कटिंग करने में आसानी हो और आपको हमारे निशान समझ में आ जाएं। तो ये सीधे निशान हमने लगा लिया है। अब देखिए, यहाँ पर हम लगाएंगे, जैसे कि हमने इस साइड में कमर का निशान लगाया है, तो कमर का निशान अब हम इस साइड में लगाएंगे 15 इंच पर। ये जो निशान है वो निशान हम यहाँ पर लगा रहे हैं 15 इंच पर। इस तरीके से निशान लगा लिया। अब कली की चौड़ाई है 4 इंच, तो हम यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाएंगे। तो कमर तक हमें 4 इंच का निशान लगाना है ऊपर तक। अब इन दोनों निशानों को ऊपर तक हम मिला देंगे। तो यहाँ पर ये निशान हमने मिला लिया। उसके बाद कली का जो हमारा नीचे का हिस्सा है, वो कमर तक इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और नीचे तक निशान लगा लेंगे। कमर से नीचे तक हमने इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए निशान लगाना है कली का। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, जो निशान है हमारा, एक दूसरे से मिला देंगे ताकि आपको सिंपल तरीके से हमारे निशान समझ में आ जाए। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब इन कलियों की हम करेंगे कटिंग, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, पूरा देखोगे तो दूसरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हमने कली की कटिंग करी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से निशान लगाओगे तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। अब यहाँ से हम दूसरी कली की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से ये देखिए, हमने दूसरी कली की कटिंग कर ली है। उसके बाद अब हमने जो सीधी लाइन बनाई है कली की, इस पर भी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर कटिंग हो चुकी है कलियों की। उसके बाद ये बीच में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो, यही हमारा कपड़ा
वेस्ट जाएगा पानी, वरना हमारा कपड़ा कोई भी वेस्ट नहीं रहेगा। तो आप देखिए हमने कली को अलग अलग रख लिया है। उसके बाद कली का जो हमारा सीधा हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर हमें कट लगाना है। तो सीधा वाला हिस्सा हमारा देखिए इस तरीके से हम पलट के रखेंगे, सीधा वाला हिस्सा इस हिस्से में आएगा हमारा, जो ओरे भी कटिंग है यहाँ पर फिर कली की इस हिस्से पर हमारी सीधी सीधी कली आएगी इस तरीके से। यहाँ पर ये हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर इस हिस्से को पकड़कर यहाँ पर रख लेना है। अब सेम इसी तरीके से हम इस पर स्टिचिंग करेंगे। अब हम इन्हें कलियों को सिलाई से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम स्टिचिंग कर चुके हैं, सिलाई हमने कलियों में लगा ली है। उसके बाद दूसरे पर्त में भी हमने सेम तरीके से कटिंग करके सिलाई कर ली है। दोनों साइड के पर्त अब हमारे तैयार हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लगाएंगे, जैसे कि हम नॉर्मल कुर्ती के निशान लगाते हैं इसी तरीके से। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और 6.5 इंच पर हम मुड्ढे के निशान लगाएंगे इस तरीके से, और 15 इंच पर हम इसकी कमर के निशान लगाएंगे। तो ये दो निशान हमें सबसे पहले लगा लेने हैं। उसके बाद इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। उसके बाद 7 इंच हम इसके शोल्डर के निशान लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो शोल्डर का नाप है वही हमने यहाँ पर लगाना है 7 इंच। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। उसके बाद 1 इंच अंदर की तरफ हमें शोल्डर को इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ पर शोल्डर की गोलाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम इसकी चेस्ट, जैसे कि 36 इंच है तो उसका 1/4 रखेंगे 9 इंच, तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब पेटी है 28 इंच तो 1/4 हम यहाँ पर 7 इंच के निशान लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों निशानों को मिला देंगे। तो फ्रेंड्स आप अपने नाप के हिसाब से कम ज़्यादा फिटिंग कर सकते हो। उसके बाद हमने कमर से नीचे की तरफ इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को हम एक दूसरे से मिला देंगे। ये निशान हमने मिला लिए। उसके बाद हम इन्हीं निशान पर कटिंग करेंगे, और यहाँ से हमने मुड्ढे की कटिंग ज़्यादा करनी है क्योंकि बैक साइड और फ्रंट साइड हम दोनों की कटिंग कर रहे हैं। अब हम यहाँ से फ्रंट साइड के मुड्ढे की छटिंग कर देंगे। यहाँ 2 इंच का मार्जिन लेते हुए साइड से हम कटिंग कर देंगे। चाहो तो आप यहाँ पर निशान भी लगा सकते हो मार्जिन के। तो उसके बाद हम यहाँ पर गले की चौड़ाई के निशान लगाएंगे 3.5 इंच, और 3.5 इंच ही हम गले की लेंथ रखेंगे। यहाँ पर गोल कटिंग हम गले की कर देंगे। और बैक साइड का जो गला है हमारा वो 1 इंच कम कटिंग होगा लेंथ में। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इस तरीके से दोनों साइड के गले की कटिंग कर ली है। अब नीचे से हम इसकी छटिंग कर देंगे। जो हमारी थोड़ी बहुत कली ऊंची नीची है उनको हम बराबर कर लेंगे। तो हमने यहाँ से कली को 1 से 1.25 इंच ऊपर की तरफ कटिंग करनी है साइड से, क्योंकि आपके फ्रॉक का कोना नीचे की तरफ ना लटके इसलिए आपको साइड से छटिंग करनी ज़रूरी होती है। उसके बाद हमने देखिए बैक साइड के पर्त को निकाल दिया है, और फ्रंट साइड के पर्त हम इस तरीके से ओपन करेंगे। और आपको कलियों की जो चौड़ाई है, घेर है इसका दामन का, वो हम आपको नाप के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स इस फ्रॉक का जो घेरा है वो 2.5 मीटर करीब है। तो सबसे पहले हमने फ्रॉक को इस तरीके से रख लेना है और इसकी कलियों को नाप लेंगे हम। तो कली हमारी देखिए ये 7 इंच की है, तैयार कली 7 इंच की है। इसी तरीके से हम सारी कलियों को नाप लेंगे, ये भी 7 इंच की है। और देखिए यहाँ से भी हम आपको नाप कर दिखा रहे हैं, और ये कली भी हमारी 7 इंच की है। अब हमें कंगूरे किस तरीके से कटिंग करने हैं वो हम आपको समझाएंगे। जो हमारा इसका कटवर्क है नीचे का फ्रॉक का, वो सिंपल तरीके से बताएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये पेपर फॉर्म ले ली है, ये हमने हल्की वाली ली है, ज़्यादा हार्ड वाली नहीं ली है। उसके बाद इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जो इसकी लंबाई है लंबाई में हमें फोल्ड करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखिए 4 फोल्ड कर लिया है, और इसकी जो चौड़ाई रखेंगे हम वो 3 इंच रखेंगे। इस तरीके से 3 इंच पर हमें निशान लगाना है। अब ये दोनों निशानों को हम मिला देंगे।
उसके बाद हम यहाँ पर सीधी कटिंग कर लेंगे। तो 3 इंच चौड़ी हमें पेपर फोम लेनी है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर डबल करके रख लेंगे। उसके बाद ये देखिए, हम आपको एक बार और कली नाप कर बताते हैं। जैसे कि हमारी कली है 7 इंच, 7 इंच हमारी कली तैयार है। देखिए 7 इंच इस तरीके से तैयार है। और पेपर फॉर्म पर हमें किस तरीके से निशान लगाना है, 7 इंच की हमने डबल ली है पेपर फॉर्म, ये देखिए डबल है। तो यहाँ पर हम 7 इंच का एक निशान लगाएंगे। यहाँ निशान लगा लिया, हम आपको दूसरी चौक से निशान लगा कर दिखाएंगे ताकि आपको निशान दिखाई दें। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 7 इंच का निशान लगा लिया है। इस 7 इंच तक हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। उसके बाद ये देखिए, हम आपको कली गिनकर बताएंगे कि इसमें कितनी कली हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें हमारी टोटल 6 कली हैं। तो यहाँ पर हमें 6 कंगूरे ही निकालने हैं फ्रंट साइड के लिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ डबल रख लिया, डबल था हमारा, तो ये हो गए हमारे 4। उसके बाद हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो डबल है, हमने 3 बार फोल्ड करने पर ये आ जाएगा हमारा 6 फोल्ड हो चुका है, 6 फोल्ड है ये हमारा। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा छोटा है, यहाँ पर हम जोड़ लगाकर आपको दिखा देंगे बाद में कि किस तरीके से यहाँ पर जोड़ लगाना है। तो यहाँ पर 6 फोल्ड हमने कर लिया है 7 इंच का। तो आपको हम दिखाते हैं नाप के, ये देखिए 7 इंच है हमारा 6 फोल्ड, और 6 ही हमें नीचे की तरफ कंगूरे चाहिए यानी कि कटवर। अब इसको हम एक बार और फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच होगी, क्योंकि 7 इंच का आधा 3.5 इंच ही होगा। देखिए 3 इंच हमने इसकी लेंथ लेनी है जैसे कि। उसके बाद हमने यहाँ 1.25 इंच कम करना है, और उसके बाद हमने यहाँ पर 1.25 इंच कम किया है 1 से 1.25 इंच। तो इसको इस तरीके से गोलाई देनी है। अब इसी निशान पर हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से हम कंगूरे की इस तरीके से गोलाई कर देंगे, जो कटवर्क है नीचे दामन में हमने लगाए हैं इस तरीके से। 1 से 1.25 इंच हमने छोड़ा था बीच में। उसके बाद देखिए इस तरीके से हम आपको ओपन करके दिखा रहे हैं। तो ये कंगूर हमारे 7-7 इंच के कटकर रेडी हैं। तो ये हमारे हो गए 7 कंगूरे। उसके बाद हम यहाँ पर इसके दामन को भी ले लेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हमें बैक साइड के पर्थ के भी कंगूरों को कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर दामन पे हम इन कंगूरों को इस तरीके से मिलाकर रख लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए, हमने कंगूरों की कटिंग की है 7-7 इंच की। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें कंगूरे रखने हैं। एक कली के बीच में एक आना चाहिए परफेक्ट। इस तरीके से आपको अच्छे से इन्हें बिठा लेना है। उसके बाद हम इसकी प्रेस कर देंगे। प्रेस से हम पेपर फॉर्म को इस तरीके से जमा लेंगे। तो बीच में जो छोटा छोटा सा हमें यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करते हुए जमाना है, क्योंकि हमारा दामन गोलाई में है और हमने पेपर फॉर्म सीधी कटिंग की है। तो यहाँ पर इस तरीके से छोटा छोटा आपको फोल्ड करना है, और इस तरीके से प्रेस की मदद से हम इसको बिठा लेंगे। अब यहाँ से ये गोलाई में हमारा इस तरीके से कंगूरे सारे जम चुके हैं। तो देखिए हमारे दामन पर इस तरीके से पेपर फॉर्म हमारी जॉइंट हो चुकी है। और यहाँ पर हम साइड में जो हमारा कम है यहाँ पर हम इस तरीके से जोड़ लगा देंगे। इसी के ऊपर रखकर हम इस तरीके से पेपर फॉर्म को परेस की मदद से चिपका लेंगे। तो यहाँ से देखिए कंगूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से सेम तरीके से हम दूसरी साइड में भी इसका जॉइंट लगा लेंगे। तो आइए अब हम मशीन पर आपको इसकी सिलाई बताते हैं किस तरीके से होगी। ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर बीच में छोटे छोटे से फोल्ड करते हुए प्रेस की मदद से इसको चिपकाया है। अगर आप सीधा चिपकाओगे तो वो हमारे फ्रॉक में झोल आएगा, गोलाई में नहीं होगी। तो यहाँ पर ये पट्टी ली है हमने 4 इंच की। उसके बाद इस पट्टी को हम नीचे की तरफ रखेंगे और इसके कंगूरे में इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे।
इसके बराबर में ही हमें सिलाई चलानी है। तो हम पेपर फॉर्म के बराबर में ही सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम बैक साइड के पर्त को भी तैयार करेंगे। बैक साइड पे भी हमें कंगूरे बनाने हैं दामन में। तो इसी तरीके से सारे कंगूरों पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपको सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में ये फ्रॉक कटिंग बताई है और स्टिचिंग भी अब हम आपको बता रहे हैं, वो भी कंगूरों वाला दामन बता रहे हैं, यानी कि कटवर्क वाला दामन। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिलाई करें। पेपर फॉर्म के ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए और ना ही पेपर फॉर्म से सिलाई आपके दूर जानी चाहिए। अब एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो ये हम इस तरीके से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम इसके बीच में यहाँ पर कट लगाएंगे। यहाँ पर कट लगाना ज़रूरी होता है, वरना आपका कटवर्क यानी कि कंगूरा सही से पलटेगा नहीं। तो ये पलट लेंगे इस तरीके से कपड़े को हम। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से प्रेस की मदद से इसको बिठा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर प्रेस कर ली है। उसके बाद हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम बैक साइड का पर्त के दामन के कंगूरों को भी सेम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हमने छोटी छोटी बीच में कहीं कहीं इसके प्लेटें डालनी हैं। यहाँ पर देखिए छोटी सी चुन्नट डालेंगे, क्योंकि हमने जो पट्टी नीचे की तरफ लगाई है वो सीधी पट्टी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने कितना सिंपल तरीके से आपको कंगूरी की कटिंग बताई है कि आप फ्रॉक के दामन में किस तरीके से कलियों में कंगूरे बना सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए कंगूरे हमारे रेडी हैं। उसके बाद हम गले पे यहाँ पर और भी पट्टी लगाएंगे। तो हमने जो 1.5 इंच की पट्टी ली है इस तरीके से हम गले पर रखेंगे उल्टी तरफ, और फिर इस पट्टी को सीधे की तरफ पलट देंगे। और पट्टी हमें डबल लगानी है, जैसे कि फ्रेंड्स नॉर्मली है पट्टी लगाना सिंपल गलों में लगाई जाती है, पट्टी वाला जो गला बनाते हैं। हल्के हाथ से पट्टी को आपको इस तरीके से खींचना है, बहुत हल्के हाथ से। और इस तरीके से हमने पट्टी को गले पर ज्वाइन कर दिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो अब हम इस तरीके से जो हमारी पट्टी है उसी की तरफ पलट कर सिलाई लगा लेंगे। अब इस पट्टी को ऊपर की तरफ पलटेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो जैसे कि हम नॉर्मली सिंपल गोल गला बनाते हैं पट्टी वाला, तो इसी तरीके से आपको गला बनाना है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए गला हमारा तैयार है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम मुड्ढे पर और बैक साइड के गले पर दोनों तरफ हमने ये पट्टी लगा ली है। तो यहाँ पर हमने देखिए मुड्ढे की और गले की दोनों साइड की पट्टी लगाकर रेडी कर लिया है। उसके बाद हमने ये पट्टी ली है यहाँ पर 1.25 इंच की, और दोनों साइड से इसको हमने सिल लिया है। अब इसके बीच में हम सिलाई लगाएंगे, यानी कि इसमें हम बहुत बारीक बारीक सी चुन्नटें बना लेंगे बीच में सिलाई लगा कर गैदर। इस तरीके से हम बीच में सिलाई लगाएंगे, और
और दोनों उंगलियों के सहारे से हम इसमें बारीक बारीक सी चुन्नटें डाल देंगे। तो इसी तरीके से हमें पट्टियों को तैयार कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमारी गेदर तैयार है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको सीधा पकड़ेंगे और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम गले पर इसके इस सिलाई से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हम इसके बीच में सिलाई लगाते हुए और पट्टी को सीधे करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इसके गले पर रखकर। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस तरीके से सादा गले में भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये फ्रंट साइड के गले में पट्टी को लगा लिया है जो कि हमारी चुन्नट वाली पट्टी है। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए हमने दोनों साइड के जो हमारे मुड्ढे हैं यहाँ पर भी हम इस पट्टी को इसी तरीके से लगाएंगे। तो दोनों साइड में हमने मुड्ढे की पट्टियों को लगा लिया है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल तरीका जैसे कि हमने गले पर लगाई है और हम इस मुड्ढे पर भी लगाकर बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और आप स्किप करके देखते हो। अब यहाँ पर हमारा जो भी फिटिंग का नाप है जो हमने चौक के निशान लगाए वहीं पर हम इसकी फिटिंग के निशान लगा लेंगे दोनों साइड में। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलना। बहुत सिंपल तरीके से फ्रेंड्स हमने आपको ये कलियों वाला फ्रॉक फ्रेंड्स कैसा लगा, सिर्फ 2 मीटर कपड़े में हमने आपको फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग बताई है और बॉटम पर इसके कंगूरे बताए हैं कटवर्क। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।